बच्चों आज हम आपको अगला चैप्टर लाभ और हानि के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये गणित के शब्द हैं लाभ और हानि। लाभ का मतलब होता है फायदा, लाभ का मतलब क्या होता है, और हानि का मतलब होता है घाटा। ठीक है, मतलब ये गणित के शब्द हैं, है वही चीज कि हमारा घाटा हो गया हमारा फायदा हो गया, लेकिन गणित की भाषा में कहते हैं लाभ और हानि। अच्छा ये चीज बताओ आप, यदि आपने कोई चीज 5 रुपए की ली और उसको 10 रुपए में बेच दिया तो आपको हो जाएगा फायदा, उसको कहेंगे लाभ। और यदि आपने कोई चीज 10 रुपए की ली और उसको 5 रुपए में बेच दिया तो आपका घाटा हो जाएगा, उसको कहेंगे हानि। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है कि इसमें 2 शब्द हैं, एक है क्रय मूल और एक है विक्रय मूल। क्रय मूल क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है, मान लीजिए जो पार्ले जी बिस्कुट है, पार्ले जी बिस्कुट है, दुकानदार को 4 रुपए का पड़ता है तो 4 रुपए हो गया उसका क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वो चीज खरीदी जाए। दुकानदार ने जहां से सामान लाता होगा वहां से 4 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट लाया और बेचा कितने का, 5 का, तो जिस मूल्य पर बेचा जाए उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। अब विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य हो गया 5 रुपए, खरीदा 4 में और बेचा 5, ठीक है, तो 4 रुपए हो गया क्रय मूल्य और 5 रुपए हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य कहते हैं खरीदने को और बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि वस्तु का जो खरीद मूल्य होता है वो क्रय मूल्य होता है और वस्तु का बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य होता है। वही चीज है, क्रय मूल्य खरीदना मतलब खरीदो कम में और बेचो ज्यादा में, तो आपको हो जाएगा लाभ। क्या हो जाएगा, बस वही फार्मूला बन गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कि आपको ये देखना है कि लाभ कितना हुआ, लाभ तो बेचने वाली चीज को घटाने वाली चीज में घटा दो, मान लो आपने बेचा 10 में खरीदा 5 में, तो 10 में 5 घटा दो तो बचा 5, तो पता चल जाएगा कि हमको 5 रुपए का लाभ हुआ। ऐसे ही हानि कब होगी, जब खरीदो ज्यादा में और बेच दो कम में। खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य और बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। अब मान लो हमने 10 में खरीदा था और बेच कितने में दिया है, 5 में, तो 10 माइनस 5 बराबर 5, तो हमको 5 रुपए की हानि हो जाएगी। ठीक है, ये फार्मूले हैं, फार्मूले में जो जो दिया गया उसको यदि रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये समझ गए, ये पूरा समझ गए। ठीक है, अब होता क्या है, ये सवाल दिए गए हैं, 4 सवाल दिए गए और भी हैं लेकिन हमने 4 लिखे हैं। ठीक है, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये लाभ और ये हाँ। ये क्या है, ये रुपया, क्या है ये रुपया का निशान है, ये पहले नहीं था, ये जुलाई 2010 में आया था, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र थे डॉक्टर उदय कुमार, उन्होंने ये रुपया का सिंबल दिया था, है ना, ऐसे खुली प्रतियोगिता कराई गई थी वित्त मंत्रालय द्वारा, तो उसमें से इनको चुना गया था, ये रुपया का सिंबल तभी आया था, उनको 2.5 लाख का पुरस्कार भी दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, है ना, ठीक हो रहा है। तो ये रुपये का सिंबल वहीं से आया था, जैसे हमारे हम लोगों के देश की हम लोगों में जो मतलब 40 देश ऐसे हैं जो हम लोगों से ऊंची करेंसी रखते हैं, हम लोग मतलब 40 नंबर में हम लोग आते हैं, 40 नंबर में हम लोग आते हैं, हम लोगों से 39 देश आगे हैं करेंसी में सबसे। सही है, इसमें क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य 6000 रुपए में खरीदा और बेचे कितने में, 6500 में, 6000 में खरीदो 6500 में बेचो तो उसको लाभ होगा, और लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 6500 में 6000 घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा 500 रुपए। ऐसे इसमें देखो 4320 में खरीदा और 4300 में बेच दिया तो उसको घाटा होगा, कितने का होगा, 4320 माइनस 4300 बराबर 20 रुपए। ये तो डायरेक्ट मूल्यवान निकाल लो, और ये जो सूत्र लिखे फार्मूला लिखे इनका यूज कर लो। अब कह रहा है कि हमने बेचा है 2000 में और प्रॉफिट हो गया है 250 का, तो कितने रुपए में खरीदा होगा, 2000 रुपए में बेचा है और 250 का फायदा हुआ है, क्या कह रहा है, बेचा हमने कितने में, 2000 में, और फायदा कितने का हो गया।
फायदा कमाया उसने 2000 में बेच के, मतलब 2000 माइनस 250, 2000 माइनस जितना होगा उतना ही उसका फायदा, ठीक है, 2000 में बेच के 250 का फायदा कमाया है, मतलब 2000 माइनस 250। अगला क्या कह रहा है कि खरीदा 535 में और हानि हो गई इतनी, तो मतलब 535 माइनस 15, ठीक है, जब घटा दोगे तो आ जाएगा 520, कितने, मतलब उसने 535 में खरीदा, 520 में बेच दिया, तो उसको 15 रुपए का क्या हो गया, घाटा हो गया। अगला देखो यहां क्या कह रहा है कि कमल ने एक टीवी 10,000 में खरीदी, 2 साल बाद उसे उसने वही टीवी 7,000 रुपए में बेच दिया, बताओ उसे लाभ हुआ क्या नहीं, 10,000 रुपए में खरीदा, 7,000 में बेच दिया, मतलब उसको घाटा हो गया, हानि हो गई, और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब 10,000 माइनस 7,000 बराबर 3,000 का उसको क्या हो गया, हानि हो गया या घाटा हो गया। अगला कह रहा, राधा ने कान की मशीन 360 रुपए में बेचा जिस पर उसे 60 रुपए का लाभ हुआ। अब सीधी सीधी चीज है, 360 में बेच रहा है, 60 का लाभ हुआ, मतलब 300 में खरीदी होगी तभी तो 60 में उसको फायदा हो गया, बताओ राधा ने कितने रुपए में मशीन खरीदी थी, तो 300 में खरीदी थी, 360 में बेची, तो 60 रुपए का उसको फायदा हो गया। या तो डायरेक्ट निकाल लो और या तो फार्मूले में रख रख के निकाल लो। अगला कह रहा है एक दुकानदार ने एक दर्जन अंडे 60 रुपए में खरीदे, उसने एक अंडा 6 रुपए में बेचा, तो एक दर्जन अंडे बेचने पर उसे लाभ हुआ या हानि। देखो एक दर्जन अंडे 60 रुपए में खरीदे, एक दर्जन मतलब 12 अंडे उसने 60 रुपए में खरीदे, तो 12 × 5 = 60, हमने बताया था कि जब कम का दिया हो ज्यादा पूछे तो गुणा, और जब ज्यादा का दिया हो कम का पूछे तो भाग। अब इसमें कह रहा है एक दर्जन मतलब 12 अंडे 60 रुपए के, तो एक अंडा कितने का हो जाएगा, 5 रुपए का, ठीक। फिर कह रहा उसने एक अंडा 6 रुपए में बेचा, एक अंडा 5 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 6 में, मतलब एक अंडे में उसको लाभ हुआ 1 रुपए, तो कह रहा है एक दर्जन अंडे बेचने पर उसे लाभ होगा, तो एक, अब एक अंडे में 1 रुपया हो रहा है, तो एक दर्जन में 12 रुपए हो जाएगा, 1 × 12, तो 12 रुपए का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये तो फार्मूले में रख के कर लो और या तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है, और जो बाकी सवाल है वो आप करके लाएंगे, ठीक है, चैप्टर खत्म।